कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं वो दोबारा पढ़ूँ और मैं दोबारा देखूँ, उसमें मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं कि उन पे काम हो सकता है। तो हमने यही काम करना है सारी ज़िंदगी, और तो हम कुछ कर नहीं रहे, मतलब मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, यही कर रहा हूँ। कमर्शल्स बना रहा हूँ या शॉर्ट फिल्म्स बना रहा हूँ या ड्रामे बनाता था। ड्रामे फिर बनाने बंद इसलिए किए कि मैं बनाता था एक ड्रामा, वो चलता था, उसके पैसे आते थे, फिर अगला ड्रामा बनाता था। तो ये बड़ा एक ऐसा प्रोसेस है कि बड़ा मुश्किल है, यानी कि आप पहले 25-30 लाख रुपया लगाते हैं और वो आप लगा देते हैं, यानी मैं सबको पेमेंट कर देता था। और उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और आपका बल्कि स्क्रिप्ट आपके जहन में होता है, या मैं अब क्योंकि हम राइटिंग की वर्कशॉप नहीं कर रहे तो मैं बीच बीच में चीज़ें स्किप करके आपको बता रहा हूँ कि होता ये कि आपके जहन में एक स्टोरी होती है, ठीक है, आप उस स्टोरी की वन लाइन लिखते हैं जिसको वन पेजर भी बोलते हैं, यानी कि एक पेज के ऊपर, एक पेज पे आप उसका जो मेन आइडिया है, जो क्रक्स है उसका, वो लिख लेते हैं। समझ आ रही मेरी बात? समझ आ रही? उसको कहते हैं वन लाइनर। तो वो वन लाइनर जो है ना, वो आपकी स्टोरी का क्रक्स होता है, यानी कि उसमें पता चल जाता है कि स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। उसमें 5 W's होते हैं, कौन है, किस चीज़ के बारे में है, ये इरा कौन सा है, कोई पीरियड प्ले तो नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं 47 की स्टोरी है, ये क्या है। तो उससे वो वाजे हो जाता है। वो आप चैनल में पिच करते हैं। पिच करने का मतलब ये है कि आप उनके जो कंटेंट हेड हैं या कंटेंट डिपार्टमेंट है उनको जाके वो पेपर दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट पेपर, और वो आप कहते हैं कि यार ये मेरे पास एक आइडिया है। वो कहते हैं कि अच्छा आप इसका ना स्क्रिप्ट लिखो। आप उसकी पहली एपिसोड लिखते हैं, दो, उसको बोलते हैं पायलट एपिसोड, पहली एपिसोड। फिर आप उसके 3-4 एपिसोड लिख लेते हैं और बाकी जो है उसका रन डाउन बना लेते हैं। रन डाउन ये होता है कि आपने 4 एपिसोड तो लिख लिए हैं, उसके बाद आपने ये कर लिया है कि इसके 5वीं में क्या होगा, एक पेपर, पूरी एपिसोड नहीं लिखते आप। 6ठी में क्या होगा, 7वीं में क्या होगा। तो सीरियल जो है वो 13 एपिसोड का होता है, 26 का होता है, या सोप जो है इससे ज़्यादा एपिसोड्स का भी होता है। तो आप ना लास्ट और उसके एंड तक आप उसका एक रन डाउन लिख लेते हैं। चैनल उसको वेट करता है, देखता है और अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है, या कहता है कि मैं नहीं लेना। तो जब वो अप्रूव हो जाता है उसके बाद फिर कास्टिंग शुरू होती है। उसके बाद फिर देखते हैं इसका बजट कितना निकलेगा, फिर उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, फिर प्रोडक्शन डिज़ाइन होती है, कहाँ हमने मार्केट करनी है, ये स्टोरी किन लोगों की है, ये देहाती है या ये हाइब्रिड स्टोरी है, ये थोड़ी शहरी है, थोड़ी देहाती है, या कम्प्लीटली अर्बन एरिया की स्टोरी है, या कम्प्लीटली यूथ और स्टूडेंट्स की स्टोरी है। जब वो उसका स्कोप डिसाइड हो जाता है, ये इसको कहते हैं स्कोप। जब उसका स्कोप डिसाइड हो जाता है तो फिर वो देखते हैं कि हमारे चैनल को देखने वाले कितने लोग हैं इस तरह के। अगर एक चैनल को यूथ देख ही नहीं रही, उस पर यूथ के ड्रामे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक रिलीजियस चैनल है तो उस पर मॉडर्न ड्रामा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर चीज़ की एक मार्केट है। जैसे आपको पता ना कि हार्डवेयर की दुकान ये है, सॉफ्टवेयर की दुकान ये है, दालें यहाँ से मिलती हैं, यहाँ से दवाइयाँ मिलती हैं। तो चैनल्स भी इसी तरह की दुकानें हैं। आज के बाद आप उनको दुकानों की तरह देखें, उधर जो माल बिक रहा है उसको समझें। एक कॉमेडी पे चल रहा है, एक म्यूज़िक पे चल रहा है। जैसे टर्की जो है, वहाँ के ड्रामे यहाँ आते हैं। तो टर्की में 2 तरह के ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो है जो कि बिल्कुल इस्लामी है, ठीक है, जो कि अर्तुरुल गाज़ी और इस तरह के ड्रामे बनाता है और देखता है, और वो निशात सानिया की तलाश में है, यानी कि जो एक अरूज वो देख चुके हैं वही उसको वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तैयब अर्दगान जो है उस पर बिलीव करता है। अच्छा, एक जो है हिस्सा वो यूरोप का पार्ट है, जो यूरोप के करीब है, वो इश्क ममनू और ऐसे मेरा सुल्तान जैसे ड्रामे, वो वहाँ पे वो ड्रामे देखते हैं। यानी कि एक ही मुल्क में बहुत कंट्रास्ट है। एक बिल्कुल यूरोपियन ड्रामे देख रहा है, एक बिल्कुल कन्वेंशनल ड्रामे देख रहा है, जैसे हमारे PTV के ड्रामे होते हैं। तो अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि ड्रामा आपने बनाया है जो बड़ा कन्वेंशनल है, स्टोरी आपकी बहुत ही ज़्यादा इस तरह की है कि वैल्यूज़ के ऊपर बेस कर रही है, और आप चलाएंगे आप किसी ऐसे पे जिस पे कोई हल्ला गुल्ला चल रहा है हर वक्त, ठीक है, वो अजीब से होस्ट बैठे रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, टिकटॉकर बैठे हुए हैं 5, इधर 5 यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, मतलब, और वो फ्री में सारा दिन डांस करते हैं बगैर किसी वजह की, और उनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, उनको 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिली हुई, और वो बेचारे नाची जा रहे हैं रोज़ आके उधर, और वो समझ रहे हैं कि वो बड़ा काम कर रहे हैं। तो जो शुरू में जब काम नहीं मिलता तो ऐसे लगता है कि यार मैं भी इस शो में चला जाऊँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। और उनका भी कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये इंस्टेंट हिट होता है ना कोई आदमी, वो बबल के जैसा होता है, वो बबल किसी वक्त भी बर्स्ट हो जाता है। आप देखें कोई भी बंदा जो किसी की वीडियो वायरल होती है तो वो 100 में से 1 या 2 लोग हैं जो कहीं प्लेस होते हैं, अदरवाइज़ वो इधर उधर चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, जैसे वो चाय वाला बहुत हिट हुआ कि जी पता नहीं हर मॉर्निंग शो में था, शादियों की वीडियोस में आ गया, कमर्शियल ऑफ़र हो गई, वालिद साहब ने जो है उनके वालिद साहब ने उनको मना किया। अब वो बेचता तो चाय ही है लेकिन वो ज़रा अच्छी जगह पे बेचता है, ठीक है ना, तो नहीं लाहौर में ही बना लिया उन्होंने। तो इसी तरह से वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसे जिस किसी का कोई जैक लगता है कि जी ये हम है, ये हमारी गाड़ी है और ये पार्टी हो रही है, और उसके बाद वो सिनफ़े आहन में भी आ जाए। तो अगर मैं कास्ट कर रहा हूँ, मैं कभी कास्ट ना करूँ, मैं क्यों करूँगा कास्ट? हाँ, तो बस फिर ठीक है, उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया? जिसके अबू ब्रिगेडियर नहीं है वो क्या करे, वो ना आया टीवी पे तो आएगा, स्टे वही करेगा, याद रखना, जो आएगा पक्के पैरी, जो सीख के आएगा, जो समझ के आएगा, वो स्टे करेगा। अक्षय कुमार उधर ही है, कितने आए उस जैसा डांस करके चले गए हैं। गोविंदा आज भी उधर ही है, हमायूं सईद उधर ही है, जैसी भी एक्टिंग करे, क्योंकि उस पर पैसे भी हैं और मेरे पास तुम उसके ड्रामे का नाम है। अच्छा, हमारा मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि एक्टर जो है उसकी दिन की रूटीन क्या होनी चाहिए, ठीक है। और एक सेकंड मुझे ज़रा देखना है। अच्छा, देखें एक्टर जो है ना, जैसे मैंने कहा कल भी कि आप अपनी प्रोडक्ट खुद हैं, आप क्या बेचेंगे, जो आपके दिमाग में है वो नहीं बिकना, ठीक है। वो किसी को नज़र नहीं आ रहा कि आप कितने सिंसियर हैं इस काम से, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा कि आप कितना प्यार करते हैं इस काम से, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितनी मेहनत करेंगे, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। मैं जब इस शहर में आया तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ईमानदारी से ये काम करना चाहता हूँ, मैं बड़ी मेहनत से ये काम करूँगा और मैं बड़ा मेहनती आदमी हूँ, मैं करने ही आया हूँ, मेरा तो राइट बनता है, मैं तो जिसको कहूँगा मुझे काम दे देगा, क्योंकि मैं तो बड़ा मेहनती हूँ, मैं तो करने ही आया हूँ। तो मुझे पहले दूसरे महीने ये समझ आ गई कि ये बिल्कुल फजूल बात है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है, आप क्या आरज़ू लेके आए हैं। फ़र्क ना पड़ने से मुराद ये है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, वो खुद अपने उसमें फंसे हुए हैं, वो अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और जिसकी गाड़ी चल रही है ना वो ध्यान रख रहा है कोई इस पर चढ़ ना जाए कोई और, ठीक है। वो सब लोगों को ठुड्डे मार रहा है कि पीछे हो जाओ, तुम नहीं आ सकते, मैंने बड़ी मुश्किल से चलाई है कि तो मेरी भी ना बंद करा दे। तो इसलिए ये बहुत ही कम लोग आपको पूरे बाजू खोल के और पूरा दिल खोल के कहेंगे कि आओ यार कुछ नहीं होता, तुसी भी करो कि असी भी NGO है, तुसी भी आओ मेहनत करो आ जाओ। तो बल्कि मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं अलहमरा की रेलिवेंस के साथ, कि मैं जॉब करता था और मैं 9 से 5 जॉब करता था एक टेक्सटाइल मिल के अंदर। तो जो जो जॉब्स आपके जहन में आ सकती हैं वो सारी मैंने की हुई हैं जब मैं लाहौर आया। जो जो आपके जहन में आ सकते हैं कि यार ये क्या जॉब है, ये क्या जॉब, तो मैंने सारी की। और मुझे ये नहीं था कि मैं ये कर रहा हूँ तो पता नहीं मैं बड़ा कुछ तरस खाता था अपने ऊपर, नहीं, मैं कहता था ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार कैसे होता है। मैं एक ऐसे घर से आया हूँ कि मैं उस घर में सबसे लाडला हूँ और छोटा हूँ, तो उन्होंने मुझे 2 साल दिए हैं, तो चलो अपनी ज़िंदगी अपने आप को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। घर जो होता है कंफर्ट जोन होता है, आप सुबह उठते हैं, अम्मी पराठे पका देती है, आप नाश्ता किया, दोस्तों से मिले, घूमे फिरे, क्रिकेट खेली, वापस आ गए, सो गए, किसी ने पूछा ही कुछ नहीं। तो यहाँ आते हैं तो आप, मेरा ये हो गया था हाल कि मैं जब खाना खा रहा होता था तो मैं सोचता था कि यार ये एक निवाला मुझे कितने का पड़ रहा है और जब वापस घर जाना तो अम्मी को कहना ना, जबकि दूसरी दफ़ा आपने राइस ले लिए हैं तो जहन में आता था कि यार वो हो 35 रुपये की एक और प्लेट ले ली। मैं घर में भी ये लग रहा होता था कि मैं इतने पैसों का आज खाना खा गया। तो यहाँ पैदल पूरा लाहौर घूम रहा होता था, क्योंकि इस इतने पैसे नहीं होते थे कि आप हर जगह वैन पे चले जाएं, और जाना भी है तो ये सारा कुछ जो है, यूनिवर्सिटी के बेंचों पे सो जाना क्योंकि वापस जाके आ नहीं सकते थे, पैसे नहीं थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जितने भी लोग हैं जो सेल्फ मेड होते हैं वो करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्यों ना करें। मतलब आप, अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए हैं, आँखें दी हैं, दिमाग दिया है, और सबसे बढ़ के आपको अल्लाह ताला ने फ्री विल दी है कि आप अपनी मर्जी से करो, आपने क्या करना है, पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है, तो आप क्यों पीछे रहते रहें और आपके लोगों की तरफ देखें कि यार ये मुझे चांस देगा, ये क्यों देगा। आप उसको चांस दो, आप इतना अपने आप को प्रिपेयर करो कि आप उसको लगे यार इस ये कारी ले मेरा ड्रामा तो अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हैं कि इतना अच्छा एक्टर आ गया यार ये हमारे ड्रामे में ज़रूर होना चाहिए, उसको ये लगना शुरू हो जाए, बजाय ये कि आप ये करें। कभी भी ये ना करना। तो मैं जॉब करता था तो मैंने उनको कहा, अलहमरा में 3 दिन की एक्टिंग वर्कशॉप अनाउंस हुई, तो मैं नाम नहीं लूँगा कि वो कौन करवा रही थी, मैडम थी एक, सॉरी 3 दिन की नहीं थी, 1 महीने की थी। तो मैंने अपने बॉस को वहाँ पे कहा कि मैंने जाना है, उसने कहा ऐसा तो कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, प्राइवेट जॉब में मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। मैंने कहा मैंने हर रोज़ 2 बजे जाना है। तो उसने कहा ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा भाई मैं जॉब छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा यार तू किस तरह का तू आदमी है, मतलब मैंने तुझे कहा कि नहीं जा सकता, मैं जॉब छोड़ दूँगा, यार इस तरह थोड़ी बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं आया ही इस काम के लिए हूँ, तो अब वो हो रहा है तो मैं क्या करूँ, जॉब करता रहूँ, मैं जॉब करने तो आया नहीं। तो उसने, वो अच्छा आदमी था, मुदस्सर साहब उनका नाम था, उन्होंने कहा कि चल ठीक है चला जा। मैं बड़ा खुश यहाँ पहुँचा, आखिरी दिन था रजिस्ट्रेशन का, सही टाइम पर पहुँच गया। तो कमरा था उस भरा हुआ इधर पीछे ऑफिस, और उसमें कोई 6-7 सफ़ेद बालों वाले लोग बैठे हुए थे, अंकल। तो मैंने जाके कहा जी मैं आ गया हूँ मुझे रजिस्टर कर लें एक्टिंग वर्कशॉप में। तो उन्होंने कहा कि वो जो मैडम थी उन्होंने ऐसे देखा, तुम कौन हो? तो मैंने कहा जी मैं आबिद। तो नहीं हमारे पास जगह नहीं है। तो मैंने कहा क्या मतलब, मैं तो टाइम पे आया हूँ, ये तो आपने लिखा ही नहीं कि जगह का भी मसला है। कहती हमारे पास 30 बंदे थे, वो 30 सीटें थी, पूरी हो गई। तो मैंने कहा जहाँ, कहती नहीं 30 थी तो 35 हो गए हैं, तो ये टीचर हैं ये पहले ही कह रहे हैं कि मैं 35 बंदों को कैसे पढ़ाऊंगा, मैं क्या उनको सिखाऊंगा, मैंने नहीं 35 बंदे हैंडल करने, तो ऊपर से तुम आ गए हो। तो मैंने कहा जहाँ 35 हैं वहाँ पे 36 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो अब बोला वो सारे मेरी ऐसी बात सुनना शुरू हो गए। तो मैं खड़ा हूँ और वो सारे बैठे हुए हैं इसी बिल्डिंग में पीछे। तो वो कहती है इस तरह नहीं होता। मैंने कहा देखें मैम आपके हाथ में है, तो कर देंगे तो क्या होगा, क्लासरूम में एक आदमी और बैठ जाएगा तो क्या होगा। तो मुझे ये था कि मैं उन 35 लोगों से ज़्यादा मेहनती आदमी हूँ, मैं उन 35 लोगों से ज़्यादा इस काम से प्यार करता हूँ, और मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं कितना पढ़ के आया हूँ और मैंने क्या क्या किया हुआ है ज़िंदगी में, तो कितनी मैंने मेहनत की हुई है। तो वो जो है वो एहसास ही नहीं कर रहे इस बात का। लेकिन और करें भी क्यों, कैसे करें, ये तो सब इधर है ना, और इधर है जहाँ से आप गुजर के आ रहे हो, किसी को क्या पता कि आप कहाँ से गुजरें। तो वो कहती नहीं इस तरह नहीं होता, आप जाएं। पहले यहाँ पे 35 लोग हो गए हैं। तो मैं से मुड़ा और मैं मुड़ के मैंने कहा लेकिन उन 35 लोगों में ना आबिद नहीं बैठा हुआ। तो ये मैंने एक डायलॉग बोला, मैंने कहा यार अब तो रख ही लेंगे। मैं मुड़ा वहाँ से और ये अलमरा से ऐसे करके निकला और मैं ऐसे सीधा जा रहा हूँ। मैंने कहा अब आवाज़ आएगी, आबिद साहब आ जाओ। मैडम कह रही हैं आ जाएँ। अच्छा अब आवाज़, मैं बिल्कुल ऐसे जा रहा हूँ यार अब आएगी अब आएगी। मैं आ ही नहीं रही यार, कोई आ ही नहीं रहा। मैं बाहर माल रोड पे पहुँच गया हूँ, आवाज़ नहीं आई। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ, बड़ी सख्त जून जुलाई की धूप और वो, और मैंने ऐसे करके ऊपर देखा ना और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है कि मैंने उनसे भी इतनी लड़ाई की, जॉब भी ख़तरे में पड़ गई, ये भी हो गया, उसने भी कहा चल चला जा, और फिर ये नहीं हुआ। तो मैं खैर आ गया, अपना काम करता रहा, क्योंकि मैं अपने आप को ना एक जुमला कहता था हर रोज़ कि मैंने कौन सा बाज आ जाना है। मैं अपने आप को कहता था मैं बाज नहीं आना, मैंने यही काम करना है। तो ये हुआ कुछ सालों बाद कि मैं ड्रामा कर रहा था PTV में, वो मेरी मदर बनी हुई थी, और मैं एक तो मैं और अहमद अब्दुलरहमान उस सीन में थे। तो मैंने उसको कहा, अहमद को मैंने कहा यार सीन फ्लैट है। अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे वो खड़ी हुई है पीछे। तो मैं अहमद को कह रहा हूँ, मैंने कहा यार ये सीन ना बिल्कुल फ्लैट है, तो हम इसको थोड़ा सा ना वो करते हैं, स्लैपस्टिक करते हैं कॉमेडी, तो इस तरह से करके तू सोफे के ऊपर से आ तो स्लिप होके गिर तो मैं तुझे पकड़ लूँगा, फिर लाइन शुरू करते हम। तो वो कहता हाँ इस तरह करके देखते हैं। तो अहमद ऐसे आया, वो सोफे के ऊपर से आया स्लिप होके, और मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया, बिल्कुल लड़कियों की तरह ना ऐसे, तो यहाँ से लाइन शुरू हुई है। तो वो कहती है ओए ये तुमने कैसे किया? वो मुझे कहती है, वो मैडम ये तुमने कैसे किया? तो मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहती है तो बड़ा परफेक्ट है, ये तो बड़ी अच्छी टाइमिंग है, तुमने पहले प्रैक्टिस किया? मैंने कहा नहीं अभी अभी किया। तो कहती तुम तो बड़ा अच्छा कर रहे हो। तो मैंने कहा आपने मुझे क्लास में नहीं बैठने दे दिया, वो मैं ही तो था जिसको आपने बैठने नहीं दिया। खैर मैंने नहीं उनको कहा, मैंने उनको नहीं बताया। तो वो इतना मेरे से आज प्यार करती हैं और मुझे कहती हैं तुम बहुत अच्छा तुम ये कर रहे थे, तुम कॉमेडी बहुत अच्छी कर रहे हो, ये वगैरह वगैरह। तो ये सारे मतलब इस तरह के ना आते हैं लाइफ में ना चीज़ें, इस तरह की फेलियर्स भी आते हैं, आप अकेले ही होते हैं उसमें।